अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो मैं ना पर वीडियो बनाने आई थी, लेकिन आज भी शोर है बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ब्राउन ग्रिटी डर्ट का, शेप्स मेकिंग तक का। तो मैं ये अपना टेक्सचर जो है बाहर निकालूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इसको टब को पीछे करती हूँ, टेक्सचर को हम बाहर निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा फुल टब भरा हुआ है, इतना हैवी टब मैंने उठाया ना उठाने के लिए, इसने ना मेरे पाँव पे फिर लग जाने। मैं निकाल और फिर ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करती हूँ। शेप्स बनी जितने चंक्स निकले मैं आपके साथ दिखा दूंगी आपको। चलो आपको साइकिल्स चलने की आवाज़ आ रही होगी। चलो ये टब को मैं टर्न कर दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुझे लग रहा है टूट ना जाए। हमेशा यही होता है, सत्यानाश हो जाता है। ये देखें किधर तक टेक्सचर गिरा जाके, जो चंक्स है वो निकाल लेती हूँ। जैसे कि ये वाला चंक पड़ी है, थे ये देखें कितना गंदा लग रहा है। और जो चंक से वो निकाल लेते हैं, और जो नहीं भी है उनकी हम शेप्स बना लेंगे। पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं। ये मैंने इसके चंक्स जो है निकालने हैं। ये देखें सही है, अब जो छोटी शेप है आई मीन छोटे चंक्स हैं उनको इवनली क्रम्बल कर लेते हैं, ताकि हम इसकी शेप्स डाले। मैं इस पर पानी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा डैम्प है। जस्ट हम इसकी शेप्स बनाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके। उस तरह बैठ के मिक्स कर लेते हैं थोड़ा। ये मैंने जिस दिन इसकी वीडियो बनाई थी मैंने उस दिन इसको ना टब में रहने दिया, क्योंकि मुझे तो बारिश होनी है, शेप्स बनाने का फ़ायदा ही नहीं है कोई। तो जल्दी से इसकी शेप्स बना के रखते हैं, ठीक है। मुझे अगली वीडियो बनानी है, मैं इसके लिए कोई शेप लेकर आती हूँ।
इन न्यू शेप्स लाने वाली, न्यू शेप्स लाने की मतलब नई शेप्स लेकर आनी है, पर जाया जाए नहीं जाना बाजार। एक खुरक खादी शेप मुझे मिली है, गंदी शेप है, तो मैं सोची मैं ये ट्राई करके देखती हूँ बनती है कि नहीं, अगर ना बनी तो फिर मैं इसकी जगह ये वाली ट्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे कोई शेप नहीं अच्छी वाली मिल रही। एक शेप ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है, मुझे ये नहीं बनानी, ये ट्राई करते हैं। कोई शेप अच्छी नहीं लग रही मुझे, क्या शेप बनाऊँ मैं इसकी। मैं ऐसा करती हूँ इसके ग्रिटी बॉल्स बनाती हूँ, वो ट्राई करते हैं। ये शेप मैं ट्राई करती हूँ, ये शेप बनाते हैं। ये देखें ये शेप समझे ना, सारी रेडी करके बनाती जाती हूँ मैं, बाकी जो होगी बना दूंगी, जो बना दूंगी मैं। ये इस तरह कर करके मैंने सारी शेप्स रेडी कर ली है और आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने बस यही होना पीछे,
एक दो मैं और बनाते दिखाती हूँ, बाकी मैं फिर बना के आपको दिखाऊंगी इसका ना मोबाइल इन द मेमोरी जो है कम है और वीडियो इतनी लंबी बन जाती है। फिर मुझसे ना एडिट वगैरह करने में ना बड़ा मसला होता है। एक और बना के दिखाती हूँ आपको, फिर आपको बाद में सारी बना के दिखाऊंगी एक बार में। मुझे सात सौ जगह जो है ना कहीं नीट करनी पसंद है, क्योंकि खिलाड़े मेरा काम नहीं होता मेरे से। तो हम ये सारी शेप्स बना लूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, हम इन शेप्स दिखाती हूँ। अच्छा तो ये लास्ट जो शेप है ये मैं निकाल लेती हूँ, और बहुत ही गंदी शेप निकलती है लास्ट वाली तो, या एंड वाली या शुरू वाली, बहरहाल ये देखिए मैंने ये 10 मिनट के अंदर सारी शेप्स बनाई हैं, सब शेप्स रेडी कर ली हैं। और ये मेरा ब्राउन ग्रिटी डर्ट का ट्यूटोरियल था, और सब पूछते हैं ये क्या टेक्सचर आप इसमें क्या ऐड किया, तो ये मेरे बहुत सारे टेक्सचर्स का मिक्सचर है। लाइक जितने मेरे पास टेक्सचर्स हैं सबका कुछ ना कुछ टेक्सचर का जो हिस्सा ना मैंने इसमें ऐड करके बनाया हुआ है, वो जस्ट मैंने रैंडमली रेडी किया था, मुझे इसलिए मैंने कोई ट्यूटोरियल इसका नहीं शेयर किया, वरना ये मेरा जो ब्राउन ग्रिटी डर्ट है इसके अंदर हर तरह का जो टेक्सचर है वो ऐड है, और इसलिए मैं इसका ट्यूटोरियल अब दे भी नहीं सकती है, क्योंकि ये मेरा पूरा कंप्लीट टेक्सचर है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है कि मैं इससे मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकती है इस टेक्सचर को। तो ये बस इतना ही है, तो आप लोगों को इस वीडियो को बता देना कि इसकी मैं डिपिंग वीडियो बनाऊँ, फुल डिपिंग वीडियो बनाऊँ या ड्राई क्रबलिंग करूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे रिक्वेस्ट आती है कि डिपिंग वीडियोज़ बनाया करें, तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि डिपिंग वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए जैसे आप लोग का हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ड्राई क्रबलिंग को पसंद करते हैं, उनको ड्राई क्रमलिंग देखना होता है, लेकिन मैं अक्सर डिपिंग वीडियोस बना लेती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि ड्राई और जो वाटर क्रमलिंग है उनको एक साथ लेके ही वीडियो बनाऊँ मैं। तो चले इसको इधर छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट जो मुझे काम करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी सारी यहाँ पर जो डर्ट इकट्ठी हुई है, ये मैंने उस दिन चंक्स जो थे रेड सैंड के निकाल के रखे थे, तो ये ऐसे ही कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं, बहरहाल ये देखें मज़े के हैं। इतना शोर हो रहा है ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा क्रमलिंग वीडियो बनाने का, जस्ट ऐसे ही क्रमलिंग कर लो टेक्सचर्स को। जब बच्चे ऊपर चढ़ जाए ना फिर काम नहीं हो पाता। ये जो धागे होते हैं ना इसके अंदर प्लास्टिक के वो चले जाते हैं, और कई बार मुझे इन क्लिप्स को काटना भी पड़ता है इनकी वजह से। तुम कहाँ से आ रहे हो हैं? चले नेक्स्ट मुझे चंक्स निकालने हैं कोर्ट टब से, वो मैं निकाल लूँ। ये व्लॉग जो है ना मेरा दूसरे चैनल पे जाएगा। चलो ये बस कर देती हूँ, मैंने इसकी वीडियो भी बनानी है। तो अगर आपको इसकी वाटर क्रमलिंग चाहिए फुल डिपिंग वाली तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।